नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्री मेच्योर इजेकुलेशन के बारे में, या वीर्य का जल्दी से स्खलन हो जाने के बारे में बात करेंगे। यह पुरुषों की बहुत ही आम समस्या है और इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीमेच्योर इजेकुलेशन या वीर्य जल्दी स्खलित हो जाना, यह बहुत ही आम समस्या है। पुरुषों में काफ़ी पेशेंट्स में ऐसे में देखा गया है कि यह समस्या रहती है। यंग एज में भी यह प्रॉब्लम आती है, ओल्ड एज में भी आती है, मिड एज में भी यह देखने को मिलता है। बहुत ही कॉमन समस्या है। प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का मतलब है कि वीर्य का स्खलन जो है, या सीमन डिस्चार्ज है, वो समय से पहले हो जाना, या आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो उससे पहले हो जाना। जो नॉर्मल ड्यूरेशन जो है सीमन डिस्चार्ज का या इजेकुलेशन का, वो 2 से 10 मिनट का होता है। किसी किसी का 2 मिनट होता है, किसी का 3 मिनट, किसी का 5 मिनट। ये पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन का अपना एक इजेकुलेशन टाइमिंग होता है, जो कि रेंज करता है 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। यह तो हो गया नॉर्मल टाइम। अब बात करें कि प्री मेच्योर इजेकुलेशन क्या है। अगर किसी पर्सन में या किसी पेशेंट में 2 मिनट से भी कम समय में सीमन इजेकुलेट हो जाता है और वह अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो इसको प्री मेच्योर इजेकुलेशन में कंसीडर किया जाता है। इसके काफ़ी सारे कॉजेज हैं, जिनमें से एक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और ऐसा भी देखा गया है कि एक एबनॉर्मल पैटर्न डेवलप हो जाता है। हर पर्सन का एक पैटर्न साइकोलॉजिकल डेवलप हो जाता है कि वो 3 मिनट में किसी का हो रहा है तो वो 3 मिनट उसका डेवलप हो जाता है, किसी का 1 मिनट ही है तो उसका 1 मिनट में ही इजेकुलेशन हो जाता है। वो हर बार या हर सेक्सुअल एक्ट में वो 1 से 1.5 मिनट में वो इजेकुलेट हो जाता है। तो यह एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बन जाता है, यह भी एक प्रकार की जो है साइकोलॉजिकल कंप्लेन है। साथ ही साथ अगर बात करें, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में यह भी देखा गया है कि उनकी पेनाइल सेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या उनकी जो पेनिस की जो नर्व एंडिंग है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे कि इजेकुलेशन जल्दी हो जाता है। तो ये तो थे इसके प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के कॉजेज। अब बात करेंगे उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 मेडिसिन का आपको 2 बूंद हफ्ते में 2 बार लेना है। मान लीजिए आपने एक डोज संडे को लिया है, तो नेक्स्ट डोज आप थर्सडे को लेंगे, यानी तीन तीन दिन का या 4 दिन का करीब करीब गैप रखेंगे। हफ्ते में 2 बार ये आप रेगुलर 3 से 4 महीने तक लेंगे। दूसरी जो मेडिसिन है वह विल्मर स्वाबे कंपनी का, WSI कंपनी का, डमिया प्लांट करके एक कॉम्बिनेशन आता है, पेटेंट ड्रॉप है। इस ड्रॉप का आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। 20 बूंद सुबह लेंगे, 20 बूंद दोपहर में, तथा 20 बूंद शाम को लेंगे। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है उसका नाम है अश्वगंधा मदर टिंक्चर या अश्वगंधा क्यूब। कई कंपनी जो है इसको विथानिया सोमनीफेरा नाम से भी निकालती है। तो अश्वगंधा मदर टिंक्चर का आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। 20 बूंद सुबह लेंगे, 20 बूंद दोपहर में, तथा 20 बूंद शाम को लेंगे। चौथी जो मेडिसिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि टाइम ड्यूरेशन को ज़्यादा बढ़ाती है। इसका नाम है टाइटेनियम 30। टाइटेनियम 30 पोटेंसी में या 30 पावर में आप लेंगे। यह डाइल्यूशन फॉर्म है। इसका आपको 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार लेना है। 2 बूंद जीभ पर सुबह लेंगे, 2 बूंद दोपहर में लेंगे, तथा 2 बूंद रात में लेंगे। इस प्रकार से ये जो 4 मेडिसिन मैंने आपको बताई है, इन 4ों मेडिसिन को आपको 2 से 3 महीने रेगुलर यूज़ करना है। जब आप इनको यूज़ करने लगेंगे तो फर्स्ट मंथ से ही आपको सुधार देखने को मिलेगा। इन मेडिसिन्स को आप बंद ना करें, और इसको कंटिन्यू 3 से 4 महीने चलाएं, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो ये था प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के बारे में और उसके कॉजेज के बारे में, साथ ही साथ उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन किया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।